अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त रेनाला खुर्द में मौजूद हूँ। मेरे होम टाउन के बहुत ही करीब ये एरिया है। यहाँ भी आया हूँ PCR टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि एक नए सफ़र का आगाज़ है। और जो थंबनेल के ऊपर है वो वाला मुल्क अभी नहीं है, वो बाद में होगा, लेकिन अभी किसी दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। जो बाकायदगी से देखते रहते हैं वो तो बता पाएंगे कि ये कौन सा मुल्क हो सकता है। तो दुबई मैं आ रहा हूँ 21 तारीख को, और ये कुछ इस तरह से प्लान करने का सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो सके। तो वैसे तो दुबई में मेरे कज़न्स भी हैं, दोस्त भी हैं, रिहाइश उनके साथ कंपनी हो सकती है, लेकिन मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना ये 5 दिन जो मैं दुबई में हूँ 21 से लेकर 26 जनवरी तक, तो ये आप लोगों को दिया जाए। वो जो बहुत मोहब्बत करने वाले अहबाब हैं उनके साथ वक्त गुजारा जाए। तो कोशिश करूँगा कि एक एक दिन आप लोगों के साथ मैं गुजार सकूँ। तो इसमें मुनीब साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी मुझे बुक कर लिया है एक दिन के लिए, वो दुबई में होते हैं, तो एक दिन उनके साथ। और इसके अलावा आप इस पे ईमेल कर सकते हैं मुझे, अगर आप चाहते हैं बंदा इनाची से मिलना या एक दिन वहाँ मुझे रखना, मुझे खिलाना पिलाना। मैं अपने आप को वो सेलिब्रिटी नहीं कहूँगा, मैं इस तरह कह सकता हूँ कि आप मेरे मेज़बान अगर बनेंगे तो मैं आपके पास रहूँगा। तो बताइएगा, ईमेल पे अपना डिटेल दीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि 5 दिन के लिए मुझे मिल जाएं, लेकिन हो सकता है कि 5 से ज़्यादा भी हो जाएं लोग। तो ये इसलिए मैंने प्रोग्राम किया, मैंने कहा ज़िंदगी में नए लोग यार ऐड करने चाहिए। जितने ज़्यादा नए लोग ऐड होते हैं उतने ही आप सीखते हो, मोहब्बतें शेयर होती हैं और ज़िंदगी का मज़ा आता है। तो दुबई आ रहा हूँ 21 को। तो उससे पहले ये जो टूर अभी जिसके लिए PCR टेस्ट है ये मुकम्मल होगा, और उसके बाद आपसे रابطہ रहेगा। और इस टूर पे जिस पे जा रहा हूँ इसकी भी वीडियोस आती रहेंगी। ये रेनाला का बहुत ही मशहूर वेलकम बाज़ार है, और इसके ऊपर सारे मशहूर डॉक्टर, सारे मशहूर बैंक यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। फूड स्ट्रीट भी यहाँ पे एक छोटी सी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये होगी यहाँ पे कि मेडिकल आपको यहाँ पे फैसिलिटेट कर देते हैं PCR टेस्ट के लिए। इससे पहले तो लाहौर जाना पड़ता था, जो बहुत ही मुश्किल काम था। अब खैर यहाँ पे भी PCR टेस्ट हो जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। और ये चूँकि दोस्त भी हैं तो लाहौर से ज़रा सस्ता भी हो जाता है। तो अब चलूँगा और मैं टेस्ट करवाता हूँ, उसके बाद घर वापस चलेंगे और तैयारी करेंगे। सहूलत ये है, एक तो लाहौर से यहाँ पे शिफ्ट हो गए, सैंपल जाते लाहौर मेन लैब में, वहाँ पे ये रिज़ल्ट आ जाता है, और हमें एक लाहौर का ख़र्चा बच जाता है। और जैसे कि मैंने बताया दोस्त हैं तो मुझे खुसूसी राय पे भी यहाँ ये टेस्ट मिल जाता है। तो PCR टेस्ट करवा चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ यहाँ मनी एक्सचेंज के लिए। डॉलर्स चाहिए क्योंकि जिस मुल्क में जाना है वहाँ पैसे तो चलेंगे नहीं, तो पहले से डॉलर्स होंगे और वहाँ जाके कन्वर्ट करवा लेंगे। इधर एक दोस्त हैं उनके पास डॉलर्स हैं, वो लेंगे और वापस घर। अभी ये थोड़ा सा एरिया है जहाँ मैंने जाना है, कुछ 200 मीटर है, इसलिए सीट बेल्ट नहीं लगाया और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ी आहिस्ता ट्रैफिक है तो कोई डर नहीं। वैसे यार मुझे आप लोगों से भी डर लगता है, क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत होती है। जो आप कहते हो कि सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनते, गाड़ी ना चलाओ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। आप केयरिंग एटीट्यूड दिखाते हैं, आप मुझे कहते हैं कि मैं रूल्स को फॉलो करूं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, कहना भी चाहिए। तो अभी यहाँ पे अपने डॉलर्स लेके चेंज करवा के तो फिर वापस घर, और तैयारी करनी है भाई, क्योंकि 12 तारीख को फ़्लाइट है और उसमें टाइम बड़ा थोड़ा रह गया।